मध्य प्रदेश में एक बार फिर मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई है। मामला राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ का है, जहां बीच रोड पर एक बुजुर्ग वकील और उसके बेटे की अर्धनग्न कर पिटाई की गई। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है जो हैरान कर देने वाला है। पुलिस ने पीड़ित वकील और उसके बेटे की शिकायत पर 3 लोगों के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कर ली है। वहीं आरोपी पक्ष की ओर से भी पीड़ित पक्ष के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। वही वकील के साथ हुई इस घटना के बाद वकीलों ने भी पुलिस से आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई की मांग की है। जमीन से कागजात पर साइन नहीं किए तो बेरहमी से पीटा। जी हाँ, पीड़ित बुजुर्ग वकील ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया है कि नंदगांव का रहने वाला है और अपने बड़े बेटे के साथ बाइक से नरसिंहगढ़ आ रहा था। बीच में गांव के रहने वाले 3 सगे भाई सुरेंद्र दस, विनोद और हरिओम आए और उनका रास्ता रोककर उनके साथ जमकर मारपीट की। आरोपियों ने दोनों को अर्धनग्न कर बेल्ट, जूते और अन्य सामग्री से पीटा, जिसके कारण उनके सिर व शरीर में गंभीर चोट आई है। पीड़ित वकील ने यह भी बताया कि उन्हें जबरदस्ती नदी की तरफ ले जाया गया, जहां उनकी 8 बीघा जमीन के कागज पर साइन करने का दबाव बनाया। डर के कारण जब अपनी बात जमीन उनके नाम करने की बात कही तो वे हमें नरसिंहगढ़ सागपुर जोड़ पर अधमरी हालत में छोड़ गए। वीडियो वायरल, वकील पहुंचे, दोनों पक्षों ने दर्ज कराई शिकायत। इस पूरे मामले में दोनों पक्षों की ओर से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। पीड़ित वकील की शिकायत पर पुलिस ने तीनों आरोपियों पर कई धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया है। वहीं आरोपी पक्ष के परिजनों ने भी वकील व उसके बेटे पर प्रताड़ना के आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि वकील व उसका बेटा लंबे समय से उन्हें प्रताड़ित कर रहा था। बीते दिनों उनकी फसल भी उन्होंने खराब कर दी थी। इसी बात को लेकर यह विवाद हुआ है। राजगढ़ से लखन गुर्जर की रिपोर्ट। जादू साहब को बोला कि मेरे पैसे छीने हैं, मेरे मोबाइल छीने हैं, लेकिन उन्होंने FIR में लिखा है कि गिर गए, गिरे नहीं है, छीने गए, छीने हैं मेरे। तो इसकी जांच की मांग, जबरदस्ती हम दोनों को पकड़ के, बेटे को और मेरे को, इसको नंगा करके मारा और ले जा रहे थे कहीं के दस्तखत करना, तुम्हारी जमीन मेरी हो जाएगी 8 बीघा, नहीं तो जान से खत्म कर देंगे, और कर भी देते, जान से ही खत्म कर देते। और ये पुलिस की वजह से ऐसे अगर आरोपियों पे कार्रवाई नहीं होगी